आपको बताते चले कि प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना शुकाबाद क्षेत्र के अंतर्गत बूढ़ा नहर से आज से 2 महीने पहले एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसको लेकर सोमवार SP ग्रामीण राजेश कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि युवक की हत्या उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर 10 जून की रात को की थी। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को आज गिरफ्तार कर लिया है। मृतक व्यक्ति पत्नी और प्रेमी के अवैध संबंधों के बीच में बाधक बना था, इसलिए महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर उसको 10 जून की रात हत्या कर शव को नहर में फेंक कर अलग कर दिया। 11 जून को मृतक का शव शुकाबाद क्षेत्र के बूढ़ा नहर से पुलिस ने बरामद किया था। मृतक व्यक्ति के गले पर चोट के निशान भी थे। पुलिस ने मृतक के भाई के आधार पर मृतक की पत्नी से गहनता से जब पूछताछ की, तब इस घटना का खुलासा हो सका। फिलहाल पुलिस ने आज महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शुकाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट, SKH न्यूज। थाना सिकोहाबाद में एक हत्या की घटना का खुलासा हुआ है। जून 11 को यहाँ पे जो नहर है वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी, और डेड बॉडी में के देखने पे उसके गले में स्ट्रेंगुलेशन का निशान था। पोस्टमार्टम में भी स्ट्रेंगुलेशन आया जिसमें एक बनवा लिखा गया। उसकी पहचान पुष्पेंद्र निवासी इंदिरा नगर थाना क्षेत्र उत्तर के रूप में हुई। पुष्पेंद्र के भाई ने एक उसमें मुकदमा उसकी पत्नी के खिलाफ लिखा है कि पत्नी से इसका झगड़ा चल रहा था, घरेलू हिंसा का झगड़ा चल रहा था, और पत्नी के अवैध संबंध एक व्यक्ति से है जिसके चलते इन पे आपसी झगड़ा था, और इसकी पत्नी ने ही इसे 10 तारीख को रात में बुलाया था और उसी ने इसकी हत्या कर दी। उसमें आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आज गिरफ्तार किया गया है, और पत्नी ने पूरा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पूरी घटनाक्रम बताया है कि इसके अपने पति से काफ़ी परेशान थी, पति पे काफ़ी कर्जा था, पति इसके चरित्र पे शक करता था, इसके साथ मारपीट करता था, और वो इतना परेशान हो गए कि उसके पास इसको रास्ते के से हटाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, और इसने अपने प्रेमी से मिलकर इसकी हत्या करके इसकी डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया।